हे भगवान, तो आज हम करने वाले हैं वो वीडियो जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी, जो कि है लिविंग इन समवन एल्सेस हाउस सीक्रेटली। तो हम लोग लिटरली समवन एल्स से मतलब है लिटरली किसी स्ट्रेंजर के घर जाने वाले हैं और वहां पे रहने का अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स सी होता है कि नहीं होता है और हमें कोई घर मिलता है कि नहीं मिलता है छुपने के लिए। तो लेट्स गो एंड फाइंड सम हाउस। तो हम निकल पड़े घर ढूंढने में। इतनी मैंने एक आधी गलियों को देखा और गलियों में जो घर मुझे मिल रहे थे मैं उनमें घुसने का ट्राई करती, पर मैं जहाँ पे भी जिस भी घर की तरफ मुड़ती ना और उस तरह देखने का ट्राई करती कि इसके अंदर मैं घुस सकती हूँ कि नहीं, उतने में अंदर से मुझे लोग घूरने लग गए थे। तो मेरे को थोड़ी घबराहट होने लगी थी। तो यहाँ पे कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे और वो लोग मुझे घूरने लगे थे और उन्हें मुझ पे शायद शक हो गया था। तो मैंने थोड़ी बहुत उनसे बातें कर ली जिससे उनको मेरे पे शक ना हो और वो मेरे पेरे पीछे पुलिस ना बुला ले। तो हम चले कि हमने सोचा क्या पता फ्लैट के अंदर काम हो जाए। तो हम फ्लैट में जा रहे थे बट फ्लैट में भी गार्ड्स होते हैं और ये गार्ड भैया तो स्पेसिफिकली और भी ज्यादा खतरनाक थे, क्योंकि ये तो भैया मैं थोड़ा सा पूछने क्या गई कि कहां से एंट्री है क्या नहीं है। माथुर जी के घर पे जाने बुलाया, फ्लैट नहीं पता मेरे को क्या फ्लैट देखने के लिए। हां भाग गए और अब दूसरी जगह चलते हैं। स्नीकिंग करके घूम रही हूँ इधर उधर। मैंने खूब सारे घर ढूंढ लिए इसी हुलिये में। आप देख सकते हो मैं इस हुलिये में घूम रही हूँ जिससे मुझे कोई पहचान ना ले। हमने और भी लेन चेक करी थी बट वहाँ पे भी कहीं पे भी नहीं हो पा रहा था। तो अब होपफुली मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। सो लेट्स ट्राई कि कोई छत मिलती है कि नहीं। पुलिस बुला लेगा आपको? पुलिस मत बुलाना प्लीज। क्यों नहीं? छत जिसमें मैं आज रहने वाली हूँ, आसपास घर बहुत पास पास में है तो मेरे को थोड़ा सा कम सस्पिशियस रहना पड़ेगा। ऐसा लगना चाहिए कि मैं इसी घर की हूँ। क्यों नहीं? थोड़ी बहुत मैं छुप छुप का काम करूंगी ना तो पकड़ी जा सकती हूँ। वहाँ पे बच्चे थे उनको मुझे नहीं लगता डाउट हुआ। नहीं 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 सारों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। छत वाले आ गए तो उनके पास जाएगा। इतनी सुंदर सी परी उनकी तो नॉन में नहीं होगी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ऐसे बोला, मैं तो पतंग उड़ाने आई थी। पतंग नहीं, पतंग लूटने आई थी। कहाँ गई पतंग? अभी मैंने देखी थी, गिरी थी उधर। एक यही चीज फायदा है इस सीजन में आके शूट करने का। लेट्स गो गाइस, मैं आपको छत दिखाती हूँ थोड़ा कितना बड़ा है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। लोगों के घर पे टेंट तो लेके आ नहीं सकती थी तो मैं छाता और कंबल लेके आई हूँ सिर्फ, क्योंकि ठंड पड़ेगी रात को और धूप पड़ेगी दिन में। जूते खोल लेती हूँ, बेड के अंदर जूते अलाउड नहीं होते। अरे पर कोई आ गया तो भागूंगी कैसे? जूते पकड़ के मैं जूते इधर फेंक दूंगी तो मैं भाग जाऊंगी। हमने सबसे पहले तो घर ही ढूंढने में आधा दिन पूरा निकाल दिया। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे बहुत भूख लग रही है क्योंकि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया। तो मुझे सबसे पहले कुछ ऑर्डर करना है जिससे मैं कुछ खा सकूं। और हमें लकीली अच्छा घर मिल गया क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई बच्चे नहीं। और दो हमारे पड़ोस वाले बच्चे हम पे थोड़ा नजर रख रहे हैं। होपफुली वो इस घर वालों से दुश्मनी में होंगे जिससे वो हमारे को अलर्ट भी करेंगे हमारी बात को होपफुली, बिकॉज वो हमें बस देख के खुश हो रहे हैं। पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रहा। तो पहले खाना मंगाते हैं और देखते हैं कैसे हमको उस खाने को ऊपर तक लेके आना है। लेट्स गो। A few moments later. अगर आसमान इतने भरे हुए हैं तो आप देख सकते हो कि छत भी भरे हुए हैं। बट हम बस एक ही चीज होप कर सकते हैं, वो ये है कि इस छत वाले लोग ऊपर ना आए। और अगर आगे तो मैं कहाँ छुपूंगी पहले ही सोचना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ मैं उस टंकी की जगह छुप जाऊँ क्योंकि वही एक जगह मैं एक बार ट्राई करती हूँ। मैं कैसे छुपूंगी, मेरे को भी तो आना है। तू ऐसे खड़ी हो जाना। आ गया तू। बस यही करना, मैं एक बार छुप के देखती हूँ मैं छुप सकती हूँ। मेरा स्विगी का ऑर्डर आ चुका है। कैसे लेंगे स्विगी? नीचे तो जा नहीं सकते। एक आइडिया है, लेट्स डू इट दैट वे। हे भगवान, बड़ा फनी लगने वाला है। गाइस मुझे है ना यहाँ पे एक छोटा सा बकेट मिल गया था और ये रस्सी है ना हम लोग घर से लेके आए थे जस्ट इन केस हमें किसी काम आ जाए। तो मैंने इसको इससे बांध लिया है तो ठीक है, काम हो जाना चाहिए। लेट्स सी। बोल रही थी भैया इसमें डाल दो यार, मैं क्या फोन करके क्या बोलूँ। हे भगवान, भाई बिजली की लाइन है इधर। ओ भाई मारो, मुझे मारो। ओ नो, मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार। थैंक यू भैया, बहुत भारी है। ओ नो, अभी टूटता।
तो मेरा खाना आ गया है और मैं बिकॉज मैं वीगन हूँ तो मैंने मेयो के बिना मंगाया, मैं बस बता रही हूँ और मैं अपने साथ सैंडविच लेके आई थी क्योंकि मुझे पता था हाथ धोने की मुझे जगह मिलेगी नहीं, मुझे बस बहुत डाउट है सामने वाले घर के कोई लोग बाहर आ गए ना गड़बड़ हो जाएगी। और मेरे पास चिन्नू की दो बॉटलें, मेरी एक बॉटल, खाते आ जा। तो मैंने स्पेसिफिकली इनको बोला था कि मेयो मत डालना, बट ये तंदूरी मेयो डाल दी, सो मैं बेचारी भूखी, मैं नहीं खा सकती, तो इसलिए मैंने चिन्नू के फ्राइज हड़प लिए। मैं फ्राइज खाऊंगी और चिन्नू मेरे बर्गर खाएगी। अरे बुखड़। ओके गाइस, तो सनसेट हो गया है और अब थोड़ा सा रिस्पेक्ट रहे, हम लोग काफ़ी देर तक ऐसे बैठे रहे कि हमको सिर्फ करना है कि हमारे को कुछ करने को नहीं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ें अपने साथ लेके नहीं आ पाए, तो हम सिर्फ सिर्फ ये छोटी चीज़ें लेके, इसलिए हम चुपचाप ऐसे ही बैठे हुए थे। थोड़ी देर हमने नेटफ्लिक्स जरूर देख लिया, इस वजह से हम कोई भी आ सकता है शाम को, इवन घर वाले भी आ सकते हैं, तो हम लोग ना हमारा पूरा बोरिया बिस्तर बंद कर रहे हैं और फिर इसको कहीं पे रख रहे हैं, क्योंकि बाई चांस को एकदम से आ गया तो हमें एकदम से भागने में बहुत दिक्कत होगी, और ये दिख गया यहाँ पड़ा हुआ तो वैसे ही समझ में आ जाएगा लोगों को। तो इसको पहले पैकअप करते हैं, पूरा घूमो, दस रह के उधर तक, ठीक है। लगता है ये पागल हो गया। नाम क्या है उसका? सुंदर काव्य भाई बहनों दोस्तों, मैं घूमू फिरू नाचू गाऊ हंसू खेलू बाहर आपको क्या। ओके गाइस, हो गई है शाम और हम हो रहे हैं बहुत ज्यादा बोर, तो हम सोच रहे हैं कि क्या करें, पीछे बच्चे हैं ही पर बच्चों कोई गेम खेलते हैं। कोई गेम खेलते हैं? कौन सा गेम खेलें? शिट, आपको भी आवाज आई थी। Oh God, guys, कोई तो आ रहा है। मुझे भी लगा था, मेरे को तो समझ ही नहीं आता, मुझे अपना जबकि डिसाइड था कि मुझे यहाँ छुपना, फिर मेरे को घबराहट होती, मैं कहाँ छुपूं, चिन्नू मैं यहाँ फंस गया। इसके और इसके में जितना डिस्टेंस है ना उतना ही मेरा बॉडी का वेट था। oh, मैं ना यहाँ सिर पर ही ना मैं यहाँ सिर पर ही, तो मैं फंसी हुई हूँ। कोशिश करो, यहीं पर थोड़ी रहेंगे जिंदगी भर। अच्छे से खींच, बच गए, गंदा हो गया। मैं भी देखू क्या आई कर रही, देख वापस आई कर रही है, पैर से रोक ले, पैर से रोक ले। हमने पतंग लूट ली गाइस, हमने एक पतंग लूटी। इस गधी को उड़ानी नहीं आती, ये क्या कर रही तू, रिंगा रिंगा रोजेस खेल रही इसके साथ, ये क्या? जिसकी लूटी उसी को दे दे, इससे अच्छा तो भैया तुम्हारी लूटी है मैंने, हमने आई मीन मैंने तो नहीं लूटी, चिन्नू है लुटेरी। तो अबे हवा भी तो होनी चाहिए, हवा तेरे को दिख रही है? मेरा हाथ दिलता दिख रहा है तेरे को? ये सब लोग ऑलरेडी वैक्यूम क्लीनर से उड़ा चुके हैं, तेरे को पता नहीं है मैं यहाँ फंस गया बिना हवा के, मैं बता रही हूँ। मैं जा रही हूँ, नहीं मैं जा रही हूँ। 2000 years later. Guys, खतरनाक ठंड हो रही है और है ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ पे और कितनी देर रह पाएंगे, क्योंकि बहुत भयंकर ठंड, मतलब आज सबसे कोल्डेस्ट नाइट होने वाली है वेदर के हिसाब से।
और फॉर सम रीजन आप लोगों ने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, पर कुकड़ू को आवाज आ रही है रात के टाइम पे। कौन सा रात के टाइम पे कौन सा कुकड़ू करता है रूस्टर यार? और मुझे तो ऐसा लग रहा है इन लोगों ने नीचे है ना ताला वगैरह लगा दिया होगा, फिर अपन निकल के ले जाएंगे। नहीं बट अपन को तो यहाँ सुबह सुबह तक नहीं, नहीं सुबह तो नहीं गाइस, हम लोग मैक्स टू मैक्स 12 बजे तक रुकने का प्लान करके आए। पागल है तू, सुबह तक रुक पाएगी किसी के घर में? ऐसा ना अपन सुबह सो रहे और वो लोग उठ के अपने सामने ऐसे देख रहे हैं, ये कौन सी दो प्रजातियां हैं? नहीं चोर चोर करके कहीं पुलिस बुला ले। हाँ और सीधा पुलिस वाले डंडे ही मार रहे हैं सीधे अपन को। एनीवेज गाइस बहुत ज्यादा ठंड है इसलिए जो मेरे बैठने का रजाई था सब मैं ओढ़ के बैठी हूँ। कोई हॉरर चैलेंज करना है क्या? हॉन्टेड कॉलिंग, हॉन्टेड नंबर करो। हॉन्टेड नंबर को कॉल करें? चल ठीक है करते हैं। डोंट सर्च कर ले हॉन्टेड नंबर। हेलो ओह शिट, क्या कर रहे हो यहाँ पे? अंकल हम पतंग लूटने आए थे। मतलब पतंग लूटने का टाइम है यार? नहीं अंकल बस जा ही रहे। पास आए हो? पास से ही रहते हैं बस, अभी जा ही रहे थे बस। मैं तो देखा नहीं आपको कभी। आपके मम्मी पापा का नंबर दो। नहीं अंकल हम जा ही रहे थे, बस निकल ही रहे थे। हम जा ही रहे थे अंकल सॉरी। ओह माय गॉड वो अंकल की आवाज सुन के एकदम से ऐसे डर गए थे ना हम लोग। मैं तो सहम गई थी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।